नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों CITS या फिर जिसे हम लोग CTI के नाम से भी जानते हैं के एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अभी तक CTI कोर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर CTI कोर्स है क्या और ये कोर्स करने के बाद में आप लोगों को कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं, कौन से ऐसे फायदे हैं जो मिल सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों CITS या फिर CTI एंट्रेंस एग्जाम 2022। हर साल ये एग्जाम लगता है। फुल फॉर्म होता है दोस्तों इसको, इसका क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले दोस्तों योग्यता की यदि बात करें कि ये जो CITS का एग्जाम है या फिर CTI का एग्जाम है ये दे कौन सकते हैं, तो योग्यता यहां पे चाहिए दोस्तों आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स जो है वो ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप पास नहीं हो तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। पास होना कंपलसरी है, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स ही जो है इस CTI के एग्जाम को दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये एग्जाम देने के फायदे क्या हैं, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या है, कोर्स के लाभ क्या हैं। तो दोस्तों ये कोर्स करने के बाद में आप लोग जो है किसी भी गवर्नमेंट ITI में यदि कोई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, देखिए किसी ITI में इंस्ट्रक्टर आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं, ITI में जो टीचर्स होते हैं, उनको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर। तो किसी भी गवर्नमेंट ITI में यदि आप लोगों को इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी कभी निकाली जाती है तो उस वैकेंसी में यदि आपके पास में CITS का डिप्लोमा है, CITS का सर्टिफिकेट है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। यानी कि CTI आप लोगों ने कर रखा है तो इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आएगी किसी भी स्टेट में वहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अभी ऐसा चल रहा है कि जो प्राइवेट ITI कॉलेजेस हैं उनमें भी जो है यदि किसी कैंडिडेट ने CTI कर रखा है तो उसको टीचर के लिए जो है ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा उसको बेनिफिट दिए जाते हैं। यानी कि यदि ITI करने के बाद में आप लोग CTI कर रखे हो तो CTI करने के बाद में आप लोग गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर एज वेल एज प्राइवेट इंस्ट्रक्टर, किसी प्राइवेट कॉलेज में आप लोग जब टीचिंग के लिए जाते हो तो वहां पर जो है आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि दोस्तों मैं ये कहूं कि ये CTI कोर्स है ये आप लोगों के टीचिंग में काफी, ITI जो टीचिंग होती है टीचिंग में काफी ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को ये देता है, ठीक है। इस कोर्स की वजह से आपको यदि आप टीचिंग फील्ड में जाना चाह रहे हो तो वहां पे आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा और ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि आपको अदर किसी वैकेंसी में इस CTI कोर्स का बेनिफिट मिले। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोग CTI का कोर्स करते हो तो आपका जो नॉलेज है वो और ज्यादा बढ़ेगा। 1 ईयर का कोर्स होता है, लगभग 1 साल का कोर्स होता है सभी ट्रेड के लिए, ठीक है। 1 साल के कोर्स करने के बाद में आप लोगों को जो है काफी अच्छा नॉलेज हो जाता है। आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड का प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरिटिकल नॉलेज दोनों ही नॉलेज जो है आपके काफी बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि पहले आप लोग ITI कर चुके होते हो और उसके बाद में जो है 1 साल का और CTI कोर्स करते हो तो आपका जो नॉलेज है वो काफी बेटर शार्प जो है हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस साल 2022 में जो है ये एग्जाम कब लगेगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इस CTI का कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगता है, एक प्रवेश परीक्षा लगती है। तो इस बार जो है हर साल ये प्रवेश परीक्षा लगभग जुलाई अगस्त में लगती है, मई जून में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, मई जून में फॉर्म स्टार्ट होंगे। एंट्रेंस एग्जाम जो लगेगा लगभग आप मान के चलिए जुलाई अगस्त में जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम। फिर लगभग अगस्त में जो है काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जो भी पास आउट कैंडिडेट्स हैं जो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं उसके बाद में काउंसलिंग होती है। ऑल ओवर इंडिया में जो है जो भी CTI की कॉलेजेस है उन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। एडमिशन मिलने के बाद में साल भर ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग चलने के बाद में जो है आप लोगों को एक CTI का, यदि आप लोग पास हो जाते हो तो CTI का आपको सर्टिफिकेट मिलता है।
और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे मैंने आप लोगों को बताया कि आप टीचिंग फील्ड में जो है काफी अच्छा आप लोगों का जो है एक रेपुटेशन बना सकते हो। तो इस तरीके से जो है ऐसे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो 2022 में CTI का एग्जाम देना चाह रहे हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखें। इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो जल्द ही आने वाली है, तो आप लोग रेडी रहें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों की जो भी ट्रेड है, जो भी स्ट्रीम है, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है। उसमें लगभग 80% जो है आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और लगभग 20% जो क्वेश्चन आते हैं, 10-20% क्वेश्चन वो नॉन टेक्निकल जैसे मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से CTI का कोर्स रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन यदि आप लोगों को रेगुलर प्राप्त करनी तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।